तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज हम बात करेंगे पतंजलि के हर्बल पावर वीटा के बारे में। मुझे काफी सारे मैसेज आए हैं फेसबुक पर कि पतंजलि पावर वीटा के बारे में कुछ बताओ, क्या बॉडी बिल्डिंग में हम इसे यूज कर सकते हैं, क्या ये अच्छा प्रोडक्ट है? दोस्तों, पतंजलि के पावर वीटा बच्चों के लिए है, इट्स लाइक ए बोनवीटा हॉर्लिक्स एक्सेट्रा, तो ये बड़ों के लिए एकदम नहीं है। फिलहाल ये प्रोडक्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने इसे खुद टेस्ट किया, उसके वक्त ही रिव्यू देने वाला हूँ। तो चलिए इसका इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। इसमें काफी सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं, अश्वगंधा, शतावरी, शंख पुष्पी, ब्राह्मणी एक्सेट्रा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन इसका क्वांटिटी काफी कम है। देखिए, पर 100 ग्राम के सर्विंग में आप 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम, 0.1 ग्राम के हिसाब से ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स डाले गए हैं। तो ये कोई खास नहीं है, सो आपको इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का बेनिफिट तो नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसमें और क्या-क्या है। देखिए, इसमें है कोको पाउडर जो कि फ्लेवर के लिए होता है। ये चॉकलेट फ्लेवर इस कोको पाउडर के वजह से ही है। 6.4% इसमें कोको पाउडर है। शुगर देखिए 38 ग्राम पर 100 ग्राम सर्विंग में, 38 ग्राम शुगर, बाप रे! इसका नाम पावर वीटा नहीं होकर शुगर वीटा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 45% तो कोको पाउडर एंड शुगर ही हो गया। और चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। मिल्क पाउडर है 7 ग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से। सूखा मिल्क, मतलब मिल्क में से क्रीम को निकाल दिया जाता है और उसके बाद मिल्क पाउडर बना दिया जाता है। इसमें मेन इंग्रेडिएंट है लिक्विड मॉल्ट, 42.7 ग्राम है लिक्विड मॉल्ट। इसका बेस ही है लिक्विड मॉल्ट, मतलब शुगर, लिक्विड मॉल्ट एंड फ्लेवर को मिलाने पर 94.7 ग्राम होता है पर 100 ग्राम के हिसाब से। इनमें से किसी भी चीज को हमें जरूरत नहीं है, तो किस लिए हम इसे खरीदते हैं? क्योंकि है हर्बल पावर वीटा, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों से युक्त व विटामिन डी, B12, कैल्शियम व आयरन से भरपूर संतुलित प्राकृतिक पोषण पतंजलि हर्बल पावर वीटा। कि इसका एड है झांसू टाइप का। एड में बताया गया है कि इसके अंदर अश्वगंधा है, शंख पुष्पी है, शतावरी है, जो कि अच्छा हर्ब्स है, बट वो सारे हर्ब्स इनमें से है ना के बराबर। सिर्फ 5% मिलता है, बाकी तो कोको पाउडर, शुगर एंड लिक्विड मॉल्ट है। क्या ये पावर वीटा आपको लेना चाहिए? आप बताओ, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके आप बोल सकते हो। अगर आपके बच्चे दूध नहीं पी रहा है तो टेस्ट के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। इसका टेस्ट एकदम बनबीटा टाइप का है। अगर मिल्क में आप ये मिलाकर बच्चों के दे रहे हैं तो इसमें अलग से शुगर ना ऐड करें, क्योंकि इसमें पहले से ही बहुत ज्यादा शुगर मिला हुआ है, और आप फिर से शुगर ऐड करेंगे तो आपके बच्चे के लिए ये अच्छे नहीं है, बॉडी में मोटापा आ सकता है। पतंजलि के हर्बल पावर वीटा में है ये बात नहीं है, वो बनबीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट सब में ही होता है। और इसमें क्या है, शुगर और कोको पाउडर। तो आप एड चेक कर आंख बंद करके कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदिए, आप स्मार्ट बनिए। मैं किसी को भी ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही आपको कॉम्प्लान, बोनवीटा एंड हॉर्लिक्स रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये सब चीज वेस्ट ऑफ मनी है। बाकी आप लोगों की मानना है कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड वीडियो यहाँ पर आते ही रहेंगे, और सब्सक्राइब करने के लिए पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री है। कुछ लोग ये समझते हैं लाइक करने से मुझे पैसे मिलते हैं, नहीं दोस्तों, लाइक करने से कोई पैसे नहीं मिलते, लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है। एक लाइक से आपको क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन के साथ आप कुश्ती कीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो आज के लिए बात इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।